उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज में 6 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मासूम का गला आधा कटा हुआ है। शव घर से 500 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान की झाड़ियों में मिला है। बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। इसके बाद बच्चे का खून से लथपथ शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस टीम, फोरेंसिक टीम और डार्क स्क्वाड टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। मामले में पुलिस ने मासूम के चाचा को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डार्क स्क्वाड टीम के साथ आया कुत्ता शव को सूखते हुए पास में बने सरसों के खेत में पहुंचा, जहां टीम को एक चाचा का पैंट मिला। जब टीम ने पैंट को कुत्ते को सुघाया तो कुत्ता पैंट और पैर के निशानों को सूखते हुए मासूम के घर पहुंच गया और चाचा हासिम को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर हासिम को हिरासत में लिया। घटना मऊआइमा थाना की नई बस्ती बैरहना खानपुर गांव की है। बच्चा घर से 10 बजे के करीब बाहर निकला था। करीब 12:30 बजे परिवार को उसका शव मिला है। मासूम का नाम मोहम्मद नाजिम था। वह मदरसे में क्लास 2 का छात्र था। घर के इकलौते बेटे की मौत के बाद से परिवार के लोग सदमे में हैं। मासूम का पिता मोहम्मद कासिम पावर लूम चलाता है। उसकी पत्नी रुबीना बानो भी उसके काम में सहयोग करती हैं। पति पत्नी मिलकर गलीचा की बुनाई करते हैं। दोनों की 1-3 साल की बेटी भी है, जिसका नाम आलिया है। पिता मोहम्मद कासिम ने बताया कि सोमवार की सुबह उसकी पत्नी रुबीना बानो ने बेटे को नहलाकर खाना खिलाया। इसके बाद नाजिम घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने चला गया। 11 बजे के करीब रुबीना को जब नाजिम घर के पास नहीं दिखा तो वह उसको खोजने लगी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। जिन बच्चों के साथ नाजिम खेल रहा था वो भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। काफी देर ढूंढने के बाद नाजिम का शव मिल गया। नाजिम का शव सबसे पहले पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने देखा था। नाजिम का शव घर के पीछे बने कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। एसीपी सुराव चिराग जैन ने बताया कि पिता ने किसी पर शक नहीं जताया है। अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है या FIR दर्ज हो गई है। मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा।